वेलकम फ्रेंड, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने से पहले आपको कहना चाहूँगा एक छोटी सी कोट, एक छोटी सी अनमोल वचन। होते छोटे हैं लेकिन इनके गहराई, इनका भावार्थ बहुत अधिक गहरा होता है। तो इस कोटेशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं अपना यह आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस विषय से संबंधित, वो सभी क्वेश्चन इस घटना चक्र बुक में आपको दिए गए हैं। तो ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक को आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो उस बुक को पूरी ईमानदारी से फिनिश करें। और इस बुक से संबंधित हमने काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। घटना चक्र एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और वहाँ पर इस तरह के आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये होगा पार्ट 4 और इसमें हम बात करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रकार का मृदु भांड या इसको बोलते हैं पॉटरी भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है किससे? चित्रित घूसर मृद भांडों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, मगध के उत्पादन के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध का जो उत्थान हुआ था उसके लिए प्रथम शासक जो था उसका नाम क्या था जो इसके लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 4, जो व्याकरण जो ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं अष्टाध्यायी, ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे पाणिनी। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर का स्टूडेंट कौन था? वो था अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या करवाई थी या हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 7, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की डेथ कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन में। और क्वेश्चन नंबर 8, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन जो होता है वो होता है सुंदर हस्तलेख। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। याद रखिएगा इतिहास का जनक किसको बोलते हैं, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, ये बोलते हैं हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर जिसको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? वो नदी का नाम था झेलम। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइडे स्पीसीज में, ठीक है, हाइडे स्पीज में। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बच्चों मैं अप डाउन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपका जूम बन सके, आपको एक एक वर्ड काफी आसानी से दिखाई दे जाए। अगर मैं आपको केवल सिंगल पेज के साथ जूम कर दूं तो फॉन्ट छोटे हो जाएंगे और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो थोड़ा बहुत तो आपको कष्ट हो रहा होगा कि मैं पेज अप डाउन कर रहा हूँ, बट इतना भी कष्ट होने वाली बात नहीं है कि आप वीडियो को देख ना सकें, ठीक है। स्मॉल करूंगा, फॉन्ट छोटे होंगे, आपको बिल्कुल वॉच नहीं होगा। या तो वो ऑप्शन चूज कर सकता हूँ मैं, या फिर इस तरह से ज्यादा जूम करके आपको दिखाने से क्लियर तो होगा, अप डाउन तो मुझको करना पड़ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज तो करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित मगध के राजवंशों के काल क्रमानुसार लिखिए। तो कौन सा काल कब आया था, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जो काल है वो आप अपनी
नोटबुक में नोट करिए ये सभी काल, आप ध्यान से उसको नोट करिए और याद करिए, ये सभी काल काल क्रम अनुसार है और इसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। तो इसका नाम है चरक, सुश्रुत और वाग्भट। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, बात करेंगे हम अगले वीडियो में पार्ट 5 जिसमें हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित। अभी फिलहाल जो था अलेक्जेंडर को लेकर के और सिकंदर को लेकर के केवल इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे अब तक लास्ट 25 सालों में 20 सालों में, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वीडियो छोटा जरूर है लेकिन इसमें आपने 16 क्वेश्चंस कवर करे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को एक बार और वॉच करिए और ध्यान से इस वीडियो को नोट करिए और प्ले लिस्ट में जाइए घटना चक्र की। वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको केवल तीन ही पार्ट मिलेंगे, अदर सेक्शन बहुत सारे जैसे मिडाइवल हिस्ट्री या अदर काफ़ी सारे मैंने कंटेंट्स पूरे कर चुका हूँ। उस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियो हैं, 3 वीडियो से काफ़ी अधिक वीडियो हैं, आप उसे देखिए और लाभ उठाइए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और अलविदा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि ये चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है। अगर यूजफुल है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, और लाइक तो बनता है अगर आपको पसंद आया हो तो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।